चलिए तो अब आपको हम हेरा फेरी दिखाते हैं। हेरा फेरी नहीं, जबरदस्त हेरा फेरी। यह हेरा फेरी ऐसी है कि बिल्डिंग बनी नहीं, लेकिन उससे पहले ही बिल्डिंग के नाम पर पैसे अभियंता साहब ने निकाल लिए। और यह आरोप कोई और नहीं, बिल्डिंग बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर लगा रहे हैं। देखिए हेरा फेरी के इस रिपोर्ट में। इस अर्धनिर्मित भवन को देखिए, यह तस्वीर कांके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है। यह विकास की सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से एक है। भले ही आपको यह अर्धनिर्मित लग रहा हो, लेकिन इसका निर्माण करवाने वाले नीरज जायसवाल जो कि कॉन्ट्रैक्टर है, उनका कहना है कि तत्कालीन अभियंता दीपक कुमार ने इस भवन के लिए आवंटित लगभग 3 करोड़ रुपए की निकासी कर ली। के दीपक कुमार जिस समय मैं काम लिया था वो SDO थे, जो दीपक कुमार NRP 1 के थे। तो उन्होंने, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा कुछ काम फंसा हुआ है यार, तुम इसको करवा दो, जो इसमें होगा तुमको हम पैसा, जो पेमेंट होगा टोटल पेमेंट दे देंगे। तो हम बोले ठीक है भाई, हम कर देते हैं काम। तो इन्होंने बोला कि काम करवाओ, मैंने काम करवाना चालू कर दिया। मैं जब मांगता था 10 लाख तो देते थे 2 लाख, लेकिन हम सोचे चलो भाई एग्रीमेंट के तहत ही हमको काम दिए हैं, तो भाई एग्रीमेंट के तहत काम दिए तो काम कर दे। नहीं, डिपार्टमेंटल वर्क था, डिपार्टमेंटल वर्क में वो मुझे पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिए थे। हमने इसे लेकर अभियंता दीपक कुमार का भी पक्ष जानना चाहा, पर उनका विभागीय नंबर स्विच ऑफ है। दीपक कुमार के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो तो आपने सुन लिया। इनका पक्ष जानने के लिए हम इनके आवास पहुंचे, और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इनका आवास रांची के सबसे पॉश इलाके अशोक नगर में है। और ये उनका आलिशान मकान है, हम आपको दिखा रहे हैं अपनी तस्वीरों में। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते होंगे कि प्लॉट नंबर 299/C, दीपक कुमार, रोड नंबर 1। जी हाँ, ये दीपक कुमार जी का आवास है। दीपक कुमार वही अभियंता है जिनके ऊपर आरोप ये लगे हैं कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों रुपए कमाए, और ऐसे टेंडर में भी उन्होंने काम किया, ऐसे लोगों से काम करवाया जिनका भुगतान तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन सरकारी फाइलों में उन्होंने वो सारे पैसे पेमेंट हुए हैं, ऐसा दिखा दिया है। आरोप गंभीर है। मामले में लोकायुक्त ने कॉन्ट्रैक्टर नीरज जायसवाल को अभियंता दीपक कुमार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश भी दे दिया। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए विनीत उपाध्याय की रिपोर्ट।